दोस्तों आपने ये गाना जरूर सुना होगा कि रामचंद्र जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। जहाँ दोस्तों ये गाना बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन दोस्तों ये गाना आज के समय में सटीक बैठता है। आजकल दोस्तों ये हो रहा है कि जो हंस है, जो सच्चा भक्त है दोस्तों, वो बेचारा गरीबी में अपनी ज़िंदगी काट रहा है, लेकिन दोस्तों जो दिखावा करने वाले हैं दोस्तों, वो मोती खा रहे हैं, मतलब वो करोड़ों के पैसे बना रहे हैं। जहाँ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में स्थित माताओं के बारे में, जो आजकल माताओं का भी इन्होंने बिल्कुल अब व्यापार तो नहीं कह सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ कह सकते हैं जो आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब इन्होंने आजकल व्यापार बना लिया है, बिजनेस बना लिया है धर्म को। अब हम आपको साबित करने वाले कुछ बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिसे देखकर दोस्तों आपको आश्चर्यचकित होगा। आज हम आपको बताएंगे दोस्तों कि जो माताएं होती हैं, जो आपने देखा जो भाव आते हैं, तो किस तरह से कपूर को अपने मुंह में रख लेती हैं और गुटक जाती हैं, आखिर वो होता क्या है, आखिर उसके पीछे की साइंस क्या है। आइए आपको वीडियो क्लिप दिखाते हैं और उसके पीछे आपको हम साइंस भी दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, आप वीडियो क्लिप पर देख सकते हैं, यह है दुर्ग की माता, कुंवारी माता, जो कपूर को अपने मुँह में रखकर अंदर कर ली, देख लिया आपने। आइए आपको हम इसका साइंस बताते हैं, आइए आपको हम ले चलते हैं स्टूडियो और दिखाते हैं दोस्तों कि इसके पीछे का साइंस क्या है। देखिए, असल में जो चीज जल रही है वो है कैम्फर, यानी शुद्ध कपूर, जिसका प्रयोग हवन या पूजा में किया जाता है। कैम्फर की कुछ खासियत होती है, एक तो ये कि वो जलते हुए सॉलिड स्टेट से सीधा वेपर स्टेट में बदल जाता है, यानी जलती हुई टिकिया बिना कोई राख या अवशेष छोड़े हुए हवा में वाष्पित हो जाती है। दूसरे ये कि उसे जो लेटेंट हीट चाहिए होती है वो भी सॉलिड कैम्फर के टुकड़े से ही आती है। इस तरह टुकड़ा जलते हुए भी ठंडा रहता है और हाथ को नहीं जलाता। और तीसरी बात ये कि कैम्फर के नीचे का हिस्सा आग नहीं पकड़ता, जिससे हमारी जीभ या हाथ जलने से बच जाते हैं। अब जरा देखते हैं कि आग कैसे खाई जाती है। जब जलता हुआ कैम्फर हथेली पर रखते हैं तो वह सिर्फ ऊपर से जलता है। फ्लेम से होने वाले रेडिएशन की वजह से हथेली का तापमान जब बढ़ने लगता है, तब हम कैम्फर को दूसरे हाथ पर पलट लेते हैं, जिससे हाथ जलता नहीं। जब कैम्फर को मुंह में रखते हैं तो जीभ को सलाइवा से गीला कर लिया जाता है और कैम्फर को मुंह में रखते ही मुंह बंद कर लिया जाता है। ऑक्सीजन ना होने से आग बंद हो जाती है। एक बात और भी है, जलती हुई लौ के चारों ओर हवा के दबाव का एक साइकिल सा बन जाता है। ठंडी हवा चारों ओर से आती है और गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, जिससे हमारा हाथ तब तक जलने से बच जाता है। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से जूत को मुंह में रख के गुटक लिया जाता है। आपने दोस्तों, अगर आप पान खाते होंगे तो आपने फायर वाला पान भी खाया होगा, जिसमें वो आग लगा देता है और लपेटे सीधे मुँह के अंदर डाल देता है। तो दोस्तों आप इसमें आप उसको भी चमत्कार बोल सकते हैं कि वो पान खा गया, वो तो देवता हो गया, तो उसकी भी पूजा करनी चाहिए ना। कहने की बात ही, चलो मजाक था वो। अब दोस्तों आइए दूसरी बात हम करते हैं, दूसरी बात ये करते हैं दोस्तों, जो पटा होता है, जो कीलों का जो पटा होता है दोस्तों, आपने देखा होगा, मैंने पिछली बार भी बताया था, इस बार भी बता रहा हूँ, जो इस बार प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। आइए दोस्तों आपको हम वीडियो क्लिप दिखाते हैं, जिसमें माता कील के पते में झूल रही हैं, बैठी हैं। देखो पहले तो सब वीडियो क्लिप में देखिए, माता बैठी हैं, हो सकता है साड़ी के अंदर कुछ पहनी हो, ये भी कुछ मोटी चीज़ लगाई जिससे कीला अंदर नहीं जा रहा हो, घुस नहीं रहा हो, और माता झूला भी झूल रही हैं, सब चल रहा है। लेकिन दोस्तों आइए, एक यूट्यूबर ने इसको साबित करके दिखाया कि जो कील होते हैं, कील के ऊपर हम आसानी से लेट सकते हैं। ये वीडियो क्लिप देखिए, ये बहुत प्रसिद्ध यूट्यूबर है अमित जी, और इनका ये वीडियो क्लिप देख सकते हैं आप। यहाँ पर ये जो नेल्स हैं ना, इनके ऊपर मेरा जो वजन है वो हो जा रहा है डिवाइड, बहुत सारी कीले हैं यहाँ पर, इसलिए जो मेरा वेट है वो सारी कीलों पे थोड़ा 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 बट जा रहा है, और इसीलिए ये जो कीले हैं मेरे शरीर के अंदर। तो दोस्तों आपने वीडियो क्लिप में देखा, आइए दोस्तों आपको हम कुछ भाला, जो भाला मुंह के अंदर घुसेड़ा जाता है, उसका एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं, जो भाला किस तरह से मुँह में लगाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो भाला लगाया जाता है, जो यहाँ से और यहाँ निकाला जाता है, उसमें नींबू में और बकायदा वो पहना जाता है, इतना पहना जाता है सीधे घुस जाता है, क्योंकि इसमें हड्डियाँ नहीं होती हैं। आप देखेंगे ये हड्डी नहीं है, हड्डी ऊपर रहती है, हड्डी के अंदर नहीं घुसेड़ते, हड्डी के मांस में घुसेड़ते और यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये दोस्तों ये थोड़ा सा साइंस नहीं है, वो यहाँ घुसेड़ना और यहाँ घुसेड़ना निकालना थोड़ा दर्द होता है। लेकिन दोस्तों जो जीभ में लगाया जाता है, जीभ वाले में थोड़ा कलाकारी की जाती है,
वो कलाकारी क्या की जाती है, आपने देखा होगा कि जीप में सीधे घुसेड़ते हैं और बाहर निकालते हैं, उसके पीछे थोड़ा सा हल्का सा साइंस दिखा देते हैं। देखिए, अरे हम हाथ नहीं लगाते तो ये यूं जाता, किस तरह से हाथ लगाया जाता है, फिर से घुसेड़ा जाता है। देखिए, तो दोस्तों आपने वीडियो क्लिप में देखा किस तरह से वो थोड़ा सा मोड़ा हुआ है, मतलब वो मोड़ा हुआ नहीं होता तो ये मोड़ा रहता है, इसलिए फंस जाता है और देखने वालों को ये लगता है कि जीप छेद के उसने अंदर से बाहर निकाली। ये बात रही प्रूव करने की। अब दोस्तों कुछ मेन मुद्दे की बात करते हैं कि जो ये जितनी भी माताएं हैं, जो छत्तीसगढ़ में जो माताएं हैं, सबसे पहले दोस्तों एक प्रकार का ये व्यापार चला रही हैं। माताएं इतनी आसानी से किसी के शरीर में आती नहीं है। दुर्गा माता साक्षात जगत जननी माता, वो भी कुंवारी महिलाओं में तो आती ही नहीं है। और वो जिन माताओं जिसको आती हैं दोस्तों, वो माता मतलब मैं बता रहा हूँ कि वो ज़मीन तक खोद डालती हैं। इवेंट मैंने खुद देखा है दोस्तों गांव देहातों में, जहाँ जिनको माताएं आती हैं उनका बहुत विकराल रूप रहता है। आपने सुना होगा नरसिंह भगवान भी आते हैं, दूल्हा देवता भी आते हैं, दानू महाराज भी आते हैं, और आप कहा ये कहा जाए बहुत सारे देवी देवता आते हैं। लेकिन दोस्तों जिसको आते हैं ना दोस्तों, उसकी हालत डाउन हो जाती है। दीवार जो होती है, ये दीवार जो बनी हुई है, उस दीवार सीमेंटेड दीवार तक को खोद डालते हैं, इतना पावर रहता है उनको, और इतनी तेज पावर रहता है कि वो पेड़ हो चाहे कुछ भी हो, अगर उनको क्रोध आ गया तो वो विनाश कर डालती हैं। तो दोस्तों इस तरह की जो माताएं आती हैं दोस्तों, आप उनको मान सकते हैं। ये जो प्रमाण आपको मिलेगा गांव देहात में देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों वो जब वो उनकी स्थिति आप देखोगे ना तो बहुत दयनीय रहती है। बेचारे लोग खेती किसानी का काम करते हैं, अपना घर बार चलाते हैं, बहुत ही सुकून भरा और बहुत सिंपल जीवन जीते हैं, ना कोई दरबार लगाते ना कुछ करते हैं। लेकिन दोस्तों जो ये माताएँ हैं, आप इनको देख रहे हैं स्क्रीन में, ये माताएं इवेंट करने का 25-25-30-30 हज़ार रुपये लेती हैं, किसी के यहाँ जाने का पैसा लेती हैं, और जो जलाने का भी 600-700 रुपये इनके यहाँ लगता है। पहले मेरे को नहीं मालूम था कि 600-700 रुपये लगता, मैंने वीडियो में दूसरी वीडियो में अपनी जिस ये वीडियो में मैंने कहा था कि 150 रुपये लगता है, लेकिन मुझे पता नहीं था। लेकिन जब कमेंट में लोगों ने बताया, इतने सारे कमेंट आए, बहुत सारे कमेंट आए कुंवारी माता को लेकर, और भी जो सभी माताएं सबके लिए बोलते हैं लोग, बहुत सारे कमेंट आए। किसी ने बताया कि 25,000 रुपये लेती है एक इवेंट में जाने का, और दूसरी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, और 600-700 रुपये खाली इनके यहाँ जोत जलाने का लगता है। और भी जो एक्सपेंस होंगे वो मुझे पता नहीं, कौन कौन से यहाँ पर एक्सपेंस होते हैं, खर्चे होते हैं, वो हमको जानकारी नहीं होती है। लेकिन दोस्तों आप बताइए, क्या दोस्तों सच्ची में कोई माता आएगी तो पैसा मांगेगी आपसे? भाई आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या माता के पास इतना समय है कि तुम्हारे लिए मतलब कोई इवेंट में जाएं? और इवेंट में आजकल तो थोड़ा सा गाना नहीं बजता है, कोई सा भी देवी गाना बजा दो, आप देखेंगे अगर 100 महिलाएं बैठी हैं तो 100 में से 10 लोग, 10 महिलाओं को, 15 महिलाओं को इमीजिएटली भाव आ जाएंगे। सिर्फ एक गाना बजा दो, खेल पंडा रे, बस वहीं देखो पंडा रहे ना रहे लेकिन भाव आ जाएंगे महिलाओं को। तो दोस्तों अब ऐसा चल रहा है। आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप अपने विचार जरूर लिखिएगा, बताइएगा दोस्तों कि सच में क्या इनको माताएं आती हैं, कि ये सब माता होने का ढोंग कर रही हैं, क्या रियल में दोस्तों ऐसा कुछ है? अगर